कह दिया ना, बस कह दिया। मिस्टर रायचंद की सोच थी कि परंपरा की हिफाजत के लिए एवरी फैमिली मेंबर मस्ट अबाइड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, must be respectful of its sanskriti and sanskar, must honor its usul and riti rivaj. Soch sahi thi, par thodi regressive thi. Dekho, jab 1950 mein constitution likha gaya, it had 395 articles across 22 divisions. Par 73 ki umr mein bhi for it to stay relevant, it had to undergo 100+ amendments. देखो, कौन नहीं चाहता कि अधेड़ उम्र में भी हम लगे हंसी मधुबाला के जैसे महजबी। कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो चाहिए था फेसलिफ्ट। मिस्टर रायचंद ने भी वक्त रहते अपनी सोच में किया अमेंडमेंट और चांदनी चौक की झल्ली अंजलि शर्मा बन गई रायचंद परिवार का अटूट हिस्सा। देखो, हर परिवार के अपने कायदे होते हैं, हमारे हैं, आपके हैं, और जब परिवार की संख्या हो 140 करोड़, इट बिकम्स इवन मोर पर्टिनेंट टू फॉलो द लॉज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके लिए एक कानून, नो कंफ्यूजन, फॉलो करो नहीं तो प्रोसिक्यूशन। लाइक बाइबल इट हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम्स, इट डिफाइंस गवर्नमेंट पावर्स बट ऑल्सो इंश्योर्स इट डजंट ओवरपावर। हिंदुस्तानी सास के जैसे, घर का बही खाता बहू के हवाले, रिश्तेदारों के नखरे बहू संभाले, घर के मुलाजिम भी भाभी जी के प्यादे, पर तिजोरी की चाबी मम्मी जी के तकिए के नीचे। इट गिव्स अ स्ट्रक्चर, जैसे ईंट सीमेंट से पहले घर का नक्शा, बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड का पर्चा, सदर बाजार की तंग गलियों के लिए ऑटो रिक्शा। It brings order. PS5 के लिए बिट्टू चाहे कितनी भी रगड़े नाक, पापा जी करें खस्ता कचौड़ी की मांग और पिंकी करे मैक कॉस्मेटिक्स की डिमांड, पर टस से मस ना हो मम्मी जी के घर का संविधान, बिकॉज शी इज द सुप्रीम लॉ। कह दिया ना, बस कह दिया। कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law. Happy Republic Day.